दोस्तों नमस्कार एंड सुपर विद एलेक्स, मैं अमित कुमार सिंह आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की बात जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, जो कि हमारे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऑफलाइन डाउनलाइन यानी जो टीम के लोग होते हैं, जो ऊपर के लोग होते हैं तो उनको ऑफलाइन कहा जाता है, नीचे के डाउनलाइन कहा जाता है। तो ऑफलाइन वगैरह का काफ़ी सारे लोग होगा कंप्लेन रहता है, नहीं मेरे सीनियर मेरे को समय नहीं देते, मेरे सीनियर वहाँ पर समय नहीं देते, मेरे सीनियर वहाँ से आते नहीं है, मेरे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग तरीक़ा से। अब मैं कहता हूँ आपको बिजनेस प्लान आपको सारी चीज़ आता है, हाँ आता है, लेकिन उनको तो रहना चाहिए, ये बिल्कुल बात जाहिर है रहना चाहिए। अब चलते हैं इसी पड़ाव में, एक स्टोरी आप सभी लोगों के पास में शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। अब इस स्टोरी की शुरुआत होती है दोस्तों एक स्टेट एक कंट्री के बारे में, लेकिन उसका नाम जो है मैं आपसे बाद में बताऊंगा। लेकिन अब कहानी शुरू करने से एक स्टोरी रियल स्टोरी है, अभी प्रेजेंट टाइम का घटना वाली स्टोरी। अब एक कहानी का एक कंट्री होता है, एक स्टेट होता है। अब एक छोटा सा राज्य में एक देश के छोटे से राज्य से क्या घटना है, उस राज्य का घटना पिछले 7-8 महीनों से एक ऐसी घटना, दो जाति को लोग रहते हैं उस राज्य में, और दो जाति में एक जाति जो प्योर जो वहाँ के जो सिंधा जो रहते हैं उनकी जनसंख्या थोड़ी कम हो चुकी रहती है, अदर्स जो आए हुए रहते हैं अदर भी जाति जो लोग हैं उनकी जनसंख्या थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होती है। यस, अब होता है वो वहाँ पे ये है कि दोनों जातियों में एक ईद छिड़ता है कि नहीं मेरी एक अलग स्टेट चाहिए। एक तो एक छोटा सा स्टेट, वो छोटा सा स्टेट होता है उस कंट्री का, छोटा उस कंट्री का सबसे छोटा स्टेट होता है मानने के लिए, और उसमें भी उनको अलग स्टेट चाहिए। इस तरीके से बात इतनी तक बढ़ जाती है दोस्तों कि बहुत बड़ी रूप में झगड़ा होने लगता है, जो कम जिनकी जनसंख्या कम रहती है, जो कि वहाँ पर कुकी और मैथी दो जाति होते हैं, कुकी वहाँ के जिनकी जनसंख्या ज़्यादा रहती है उनकी कुकी है, और जिनकी जनसंख्या कम रहती है वो मैथी होती है। मैं जाति का नाम शो कर दे रहा हूँ लेकिन स्टेट का नाम बाद में बताऊँगा। अब चलते हैं उस दो जाति में जो मैथी होते हैं, मैथी वाले को कुकी वाले मारने लगते हैं, उनकी महिलाओं को रेप करने लगते हैं, घर पर घर जला दिए पूरे, किसी को गोली मार दिए फूंकार। ओके, इतने तरीके से इतने बड़ी हादसा हुआ और टेलीविज़न तो अगर आप इतना हुआ मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे नेशनल हाईवे जो कि अभी तक क्लोज है वर्तमान समय में, अभी तक इस वीडियो आप लोग देख रहे हैं अभी तक क्लोज है उस कंट्री का, उस स्टेट का नेशनल हाईवे क्लोज है। बाहर से कुछ ही माल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाता है खाने पीने का, और अंदर उस स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में नहीं जा पा रहे और दूसरे स्टेट के लोग उस स्टेट में नहीं जा पा रहे, इतनी कंडीशन ख़राब है। कि इस कंडीशन का ख़राब होते हुए उस व्यक्ति ने जो मैथी परिवार से होता है, तो वो व्यक्ति एक सर्च करता है बिजनेस, मेरा बिजनेस तो उसका बहुत काफ़ी सारे टायर वगैरह का अलग अलग लाखों का बिजनेस हुआ करता था, वो बिजनेस सारा घर परिवार सब कुछ उन लोगों को जरा दिया, सारा बिजनेस लॉस में चला गया, पूरे के पूरे माइनस में हो गया। अब उसने कॉल किया, सर ऑनलाइन पे एक वीडियो देखता है और वीडियो देखता है कंपनी को, अब कंपनी का नाम भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़ा डिटेल में, सब्र रखिए। अब उस कंपनी को सिलेक्ट करता है, कंपनी को वीडियो देखता है और वीडियो देखते ही कॉल करता है, सर मुझे एक आपका एड्स देखा था, आपका वीडियोस आपको मैंने यूट्यूब पे ऑनलाइन पे देखा था, सर ये कंपनी के बारे में क्या है? तो बिल्कुल कंपनी के बारे में एक्सप्लेन किया, सारा कुछ बताया लीडर्स ने। अब बताने के बाद उसने बोला सर कैसे ज्वाइन करना, कैसे काम करना, तो कंपनी से कॉन्टेक्ट करो या कोई सीनियर लीडर से कॉन्टेक्ट करो। फिर 2-3 घंटे के बाद होता है एक ऐसा पड़ाव आता है, सर मैं तो एड देखा और आपको कॉल किया था और इस बिजनेस में मैं काम करना चाहता हूँ, आपके साथ काम करना चाहता हूँ, बताइए इसमें क्या है ऑप्शन, कैसे आपके साथ शुरू कर सकता हूँ? तो उस लीडर ने बोला बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत होती है इसी बिजनेस के पड़ी में और एक छोटी सी शॉपी उस ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा सबसे छोटा सा शॉपी मात्र 25,000 का होता है, और 25,000 का शॉपी से स्टार्ट करता है बिजनेस, एक मंथ में 4 बार माल मंगा ले चुका रहता है, लगभग 1,00,000 की माल अकेले एक मंथ में सेल कर दिया उसने। सिर्फ अपने जो उसके जो लीडर्स होते हैं जिनके माध्यम से जुड़ा, सिर्फ उसने गाइड किया, सर आपको ऐसा करना, सर आपको इस दिन में इतने दिन का ये टारगेट लीजिए, इतने दिन का ये टारगेट लीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, सिर्फ उसने बताया ऐसे ऐसे करना है, और उस व्यक्ति ने करते गया, करते करते ऐसा किया कि 1 मंथ में 1,00,000 रुपया का माल सेल कर दिया, और एक अच्छा लेवल भी लिया और एक अच्छी पी आउट भी लिया उस व्यक्ति ने, और एक अच्छा जो
उसके दिक्कतों का सामना था वो भी सामना किया। और इतना ही नहीं, अब आप सभी लोगों को होता होगा शायद वो रिटेल में रिटेलिंग करता होगा, रिटेलिंग तो किया लेकिन कुछ लीडर्स भी उसके जैसा काम कर रोला, दो चार लीडर्स भी ढूंढ दिया और दो चार लीडर्स भी जो शुरुआत किया वो डायरेक्ट 5,000-6,000 के माल एक बार लेकर और शुरुआत किया इस कंसेप्ट में। इस तरीके से इतने स्पीड की पड़ाव होती है दोस्तों। अब वो आप सभी लोग पता वेट कर रहे हैं वो कंट्री और स्टेट कौन थे, मेरा दोस्त बताऊं तो भारत देश के एक नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर एक ऐसे स्टेट है, उस स्टेट में उस व्यक्ति का नाम है तपन सिंह। वो तपन सिंह कंटेक्ट करता है अमित सिंह से और किस कंपनी के बारे में ऐड देखता है, वो है वेदालेक्स। वेदालेक्स कंपनी के बारे में ऐड देखता है दोस्तों, रियल स्टोरी है, ये रियल घटना है। इतनी खतरनाक पॉइंट से उस व्यक्ति ने निकल के कॉल किया और बिजनेस के बारे में जानना शुरू किया और काम करते किया और अच्छी एक पे आउट सिर्फ एक मंथ में इतनी के माल सेल कर दिया शुरुआत की दौर में। बताऊं दोस्तों, हम सब अक्सर सोचने लगते हैं नहीं ऐसा होगा, इस तरीके से काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे, वैसा काम करेंगे, नहीं हो सकता दोस्तों। ऑफलाइन को बोलेंगे नहीं यार सर मेरे को आए नहीं सर मेरे को, अरे ऑफलाइन क्या अब बैलगाड़ी है क्या, ऑफलाइन को दौड़ाते रहेंगे। ऑफलाइन ऑफलाइन एक रास्ता बता दिया, ऑफलाइन एक अपॉर्चुनिटी दी, आपको बिजनेस प्लान आपके बिजनेस कंसेप्ट समझ में आ गया है क्या, लोगों को बताना क्या है, सेल क्या करना है, अपना काम है प्रोडक्ट सेल करना, बिजनेस प्लान बताना, दो काम है अब इसको तो करना है। टीम लीडर अपलाइंस का क्या काम है, अपलाइंस का काम वो रहता है, अपलाइंस का काम तब रहता है मेरे दोस्त बताऊं तो बड़े लीडर्स बड़े वर्कशॉप बड़े ट्रेनिंग्स या टीम मीटिंग लेकर आइए, सर आपका मोस्ट वेलकम है सर, हमारे पास एक बार समय दे दीजिए सर, हमारे टीम को इतने लोग आए हुए हैं, हम सभी लोगों मेहनत किए हैं सर, एक बार जरूर समय बिल्कुल। देखिए अपलाइन ना आए तो अपलाइन आएगा यार, सीनियर लीडर्स आएगा, ऐसा नहीं है कोई भी लीडर्स कोई भी उसके लीडर्स जो भी टीम होते हैं डाउनलाइन होती है उनके बच्चे के रूप में ही व्यवहार करते हैं, लेकिन काम ना करें और सिर्फ डायरेक्ट बाजी वगैरह करते रहे नहीं सर ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे वैसे होगा तो नहीं होता है ना दोस्तों। अब ये सारी चीज़ें अलग अलग टीम के शायद बुरा भी माने दोस्तों, बुरा भी मान सकते हैं, लेकिन इस बुरा मानने वाली बात लगनी चाहिए दोस्तों, बुरा आनी लगनी चाहिए, ऐसा बात नहीं है बुरा मान जाए तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट सिस्टम में हम सभी लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया, वाई क्लियर हो गया, यानी आप सभी लोगों को आप थोड़ा सा स्टोरी एक और बताते हैं तो पॉलिटिक्स राजनीति में सब लोग जानते हैं ना, आज के डेट में अभी पॉलिटिक्स का अभी एमपी इलेक्शन आने वाले हैं हमारे देश में पूरे हिंदुस्तान में अभी एमपी इलेक्शन आने वाली है। अब एमपी इलेक्शन में जो भी टिकट बिकता है लाखों करोड़ों रुपया में एक एक टिकट लेते हैं, अब टिकट जो कैंडिडेट होता है क्या जो मेन कैंडिडेट होता है वो क्या घर घर जाके इलेक्शन वोट मांगता है क्या, उसका उसके कुछ कोर टीम होते हैं, उस कोर टीम में से कुछ लोग जाते हैं उनको उस कैंडिडेट के ऊपर फोकस करते हैं प्रचार प्रसार में, और जो बड़े लोग होते हैं कुछ बड़ी रैलियां में जाते हैं कुछ प्रचार प्रसार में जाते हैं, कुछ लोग उनके साथ तो सहयोग करते हैं लेकिन काम किसको करना है उस कैंडिडेट को ही करना है, उसके लोग करते हैं वो किस स्टाइल से काम करना उसके हिसाब से लोग घरों तक पहुँचता है, वोट उसको मांगना है जितना उसको है, बड़े ऊपर लेवल से तक सिर्फ कैंडिडेट का टिकट दिया गया, अब वो लोग इकट्ठा करता है तब एक ऊपर से लोग ऊपर आते हैं एक बड़ी रैलिया होती है, उस बड़े लीडर ये बड़े नेता आ रहे हैं, उस नेता के होर्डिंग पोस्टिंग सब कुछ होता है और वहाँ पर एक स्पीच होता है और सिर्फ स्पीच होता है इस वोट दीजिए और इस व्यक्ति को जिताइए हम सब आपके लिए अच्छा करेंगे, यही होता है ना। अब क्या वो लीडर जाके घर घर वोट मांगता है, मांगते हुए देखे हैं दोस्तों, तो अपलाइन एक उस तरीके से अपलाइन को एक मान सम्मान दीजिए दोस्तों, और फिर आप सभी लोगों से मिलेंगे। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बिल्कुल बताइए, क्योंकि अगर आप सभी लोग वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करिए, फिर मिलते हैं आप सभी लोगों को, थैंक यू सो मच, जय हिंद नमस्कार।